प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापिका और पूर्व कैबिनेट पर्यावरण मंत्री लक्ष्मीनारायण जी दवे दीप प्रज्वलन करके मां सरस्वती के चरणों में वंदन सत सत वंदन आज के कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हमें तार दे माँ। ये पीछे जितने भी खड़े हैं मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आगे पधारे और आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हेलो हेलो और ध्वजारोहण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे लक्ष्मीनारायण जी दवे साहब पूर्व पर्यावरण कैबिनेट मंत्री। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए भला कैसे नहीं हो उसका मुकद्दर रंग बदलेगा सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए घनश्याम मिल जाए। जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम ध्वजारोहण के साथ तैयार हैं। इसके पश्चात ही राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। स्थानीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और जोरदार तालियों के साथ भारत माता की इसी के साथ राष्ट्रगान की स्थिति में राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की ये शान तिरंगा है
आन बान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है। जोरदार तालियों के साथ तिरंगे का स्वागत अभिनंदन। और इसी के साथ स्थानीय विद्यालय के छात्र आपके सामने इस राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए परेड का शुभारंभ किया जाएगा। ये जितने भी विद्यालय के गेट पर खड़े हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये अंदर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें, यहाँ आगे आकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। परेड निरीक्षण के लिए मैं अनुरोध करूंगा लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब से और प्रधानाध्यापका से, जो इस परेड निरीक्षण कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। और आपके सामने अब परेड निरीक्षण करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब और अध्यापिका प्रधानाध्यापिका सुभाष बुड़ानिया, बहुत ही शानदार आपके सामने ये परेड का निरीक्षण होता हुआ। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप सीना ताने हुए इस परेड में नेतृत्व कर रहे किरण लीडर वॉइस ग्रुप है सुनील जाट। मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो भी ये गेट पे खड़े हैं वो आगे पधारे, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा। आपके सामने बहुत ही शानदार इस परेड का प्रदर्शन स्थानीय विद्यालय में, बहुत ही शानदार ये नजारा। देश की मिट्टी, देश का खून, देश के लिए है ये जुनून, बहुत ही शानदार। अब मुख्य लीडर यहां पर
हम नन्हे बुन्ने बच्चे आज देश का सीना तान चले, अपने मन में ये आन बान चले, और इस राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए आपके सामने बहुत ही शानदार परेड का प्रदर्शन इस स्थानीय विद्यालय के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। इनके मन में जोश की ज्वाला है, परेड को सलामी देते हुए आगे बढ़ते हुए ये स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्रा बहुत ही शानदार ये नजारा आपके सामने इस मंच की ओर से मैं 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए तिरंगे को सलामी देते हुए आगे बढ़ते हुए ये कल के सितारे चमक उठेंगे, दमक उठेंगे, खनक उठेंगे। मैं एक दफा फिर से अनुरोध करूंगा, ये जो भी गेट पे खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ये विद्यालय प्रांगण के अंदर पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। यहाँ पर आपके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है और ये आप गेट पे खड़े खड़े प्रोग्राम का आनंद न ले, अंदर पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। आप आए तो यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। इसके तुरंत पश्चात ही पीटी का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्रा आपके सामने शारीरिक व्यायाम के द्वारा इस पीटी का आयोजन करेंगे। बहुत ही ओजस्वी ये बालक विख्यात अपने कदमों में बड़े, जीवन की उड़ान उड़े हम चले, हिमालय का सीना चीर के। जितने भी बच्चे हैं अपने ग्रुप के हिसाब से लाइन में लग जाए। पीटी के लिए बच्चे तैयार हो जाएं और जो भी क्लास टीचर हैं अपने अपने क्लास के सामने जाएं। ध्यान रखें टीचर, सभी अपने अपने क्लास के सामने जाएं, सिर्फ अपनी ही क्लास की देख रेख करें।
अभी आपके सामने पीटी का आयोजन किया जा रहा है। ये स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्रा शारीरिक व्यायाम के द्वारा बहुत ही सुंदर यह दृश्य है आपके सामने, बहुत ही शानदार यह दृश्य है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। एक दफा मेरा फिर से अनुरोध रहेगा, ये गेट पर खड़े हुए इस प्रोग्राम का आनंद लेने आए व्यक्तियों से, मेहमानों से, वो अंदर पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। मेरा आपसे अनुरोध है, आप ये जितने भी गेट के बाहर खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये अंदर पधारे। इसके तुरंत पश्चात ही झंडा गायन किया जाएगा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगले कार्यक्रम के लिए झंडा गायन रेणुका तारामाली, तनिषा कविता, उसके तुरंत पश्चात ही स्वागत गीत के लिए तैयार रहें। और ये गणेश वंदना
अब आपके सामने झंडा गायन प्रस्तुत करेंगे तारा रेणुका तनिषा एंड कविता। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार रानी मर्दानी कहलाई, वीर गति पाई। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। बहुत ही शानदार प्रस्तुति झंडा गायन के ऊपर। अब अगले ही प्रोग्राम में स्वागत गीत के लिए मैं अनुरोध करूंगा सोनू टिंपल वर्षा किरण स्टेज पर पधारे, जोरदार तालियों के साथ इनका मान बढ़ाए सम्मान बढ़ाए। कक्षा 12वीं की ये छात्राएं आपके समक्ष स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी, उसके तुरंत पश्चात ही गणेश वंदना हमारे कीर्तन में कुसुम तैयार रहे। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण जी दवे शाह उपस्थित हैं, जो पूर्व पर्यावरण कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके सामने स्वागत गीत के माध्यम से। अगले ही कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा 12वीं की छात्रा गणेश वंदना लेके खुशुम। मेरे हृदय करो परिवेश जी, मेरे हृदय करो परिवेश जी, मेरे काटो शकल कलेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। गणेश वंदना लेके कुसुम आपके सामने, तालियों के साथ इसका मान बढ़ाए सम्मान बढ़ाए।
सन्मुख रहे गणेश, जय गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय तुम्हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजान लाओ। तुम्हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजान लाओ। गणपति नमो नमः, शिव विनायक नमो नमः, कृष्ण विनायक नमो नमः। शानदार प्रस्तुति आपके सामने।
विघ्न हरण मंगल करण गण नायक गण राज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण कर जो काज। गणपति वंदना आपके सामने प्रस्तुत की गई। अगले ही कड़ी में मैं कार्यक्रम में बुलाना चाहूंगा सालासर बालाजी, तारा जाट, रेणुका, हेमलता, और तालियों के साथ इनका स्वागत करें, मान बढ़ाए, जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, सालासर बालाजी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है, संकट मोचन वो हनुमान है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। प्रेजेंट बाय बीन आरजी, म्यूजिक बाय समीर चौहान। जो
नींद उठ धोक लगा मेरे नौतन योगी थारा गुण गावे रे शानदार प्रस्तुति आपके सामने सालासर बालाजी के नाम पर। और इसी बीच पेमाराम जी माली मालियों की ढाणी की तरफ से सभी बच्चों के लिए केले वितरित किए जाएंगे। तालियों के साथ इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। और भवर जी माली मालियों की ढाणी से इनकी तरफ से लड्डू वितरित किए जाएंगे सभी बच्चों को। बहुत ही इनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं इस विशेष कदम के लिए। और कार्यक्रम की अगली ही कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा तेरी मिट्टी में मिल जावा कुमकुम भाविका एंड पार्टी। सरसों से भरे खलियान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। सरसों से भरे खलियान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। जहां लौट के वापस जा न सका। जोरदार तालियों के साथ इनका मान बढ़ाए, अभिमान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। Thank you.
सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। बहुत ही शानदार नृत्य प्रस्तुत किया गया आपके सामने देशभक्ति गीत पर, तेरी मिट्टी में मिल जावा। अगली ही प्रोग्राम की कड़ी में काली धार के लिए जयंती मित्तल तैयार रहे और पेमाराम जी माली माड़ियों की तरफ से, माड़ियों की ढाणी वालों की तरफ से केले की व्यवस्था, भंवर जी माली माड़ियों की ढाणी वालों की तरफ से केले की व्यवस्था और उसी के साथ अरविंद जी तिवारी चेलावास वालों की तरफ से लड्डू की व्यवस्था। सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद जी तिवारी का। काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार, आतो सुरगाने शरमावे, आतो सुरगाने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, आतो सुरगाने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे, धरती धोरारी मीठे मोरारी। बहुत ही शानदार ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने काली काली थार मारवाड़ी संगीत पर नृत्य प्रदर्शन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करें, मान बढ़ाएं। जयपुरियरी सैर करा दो भरता, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार, माने काली काली गाड़ी में घुमा दो भरता, माने जयपुरियरी सैर करा दो भरता, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार, माने काली काली गाड़ी में घुमा दो भरता। चौड़ा टेरा याली देख मारी थार, चौड़ा चौड़ा टेरा याली देख मारी थार, आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नातन, काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी ना, चौड़ा चौड़ा टेरा याली देख मारी थार, आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नातन, काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी ना। एक तारा आली चूंदड़ी, एक बावन गज को लेंगो जी, सस्ते सुमर काम न चाले, होनो चाहिए महंगो जी। एक तारा आली चूंदड़ी, एक बावन गज
तू मारो काम न चाले होनो चाहिए मैंगो जी और सोने आली चूड़िया दिला दो मन चार मोती वर्गी आख्या के मां सुरमो जद मैं घालूंगी पैरा के मां पायल जुत्ती बण ठण सागे चालूंगी मोती वर्गी आख्या के मां सुरमो जद मैं घालूंगी पैरा के मां पायल जुत्ती बण ठण सागे चालूंगी और घड़वानी है बाली चालो चाला जी बजा घड़वानी है बाली चालो चाला जी बजा काली काली गाड़ी में घुमा दो भर तार माने काली काली गाड़ी में घुमा दो भर तार देखन में तू हल्की लागे नखरा तेरा भारी है थर मिठो मिठो बोलनो ए जान काट जाए मारी है देखन में तू हल्की लागे नखरा तेरा भारी है थर मिठो मिठो बोलनो ए जान काट जाए मारी है चीजां फीकी लागे बस साचो तेरो प्यार चीजां फीकी लागे बस साचो तेरो प्यार आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नाकन काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी ना बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा काली काली थार में घुमा दियो भरतार इसके यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब का मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ पर मंच पर पधारे और उनका स्वागत करने के लिए सभा के लिए मैं डायरेक्टर सर सुभाष जी का मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर पधारे और उनका मान बढ़ाए मंच पर पधार कर और माला के लिए मैं सोन जी जाट से अनुरोध करूंगा राजग्यावास वालों की तरफ जो वो भी पधारे और मोमेंटो के लिए शंकर सिंह राजपुरोहित खारची वालों का मंजिल उन्हीं को मिलती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मंजिल उन्हीं हेलो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है हौसलों से उड़ान होती है जोरदार तालियों के साथ इनका मान सम्मान बहुमान बढ़ाए यहां पर उपस्थित लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब का और कार्यक्रम की अगली ही कड़ी में और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द बोलकर इस सभा का मान सम्मान बढ़ाए टैगोर इंटरनेशनल विद्यालय की प्राचार्य बहन संतोष जी और आदरणीय श्रीमान सुभाष जी उडानिया उपस्थित इस विद्यालय के परिवार के सभी अध्यापकगण और उपस्थित तमाम
इस विद्यालय परिवार के छात्र छात्राएं और आज इस शुभ कार्यक्रम में सभी उपस्थित हैं, मारवाड़ जंक्शन और आसपास क्षेत्र से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी बंधु उपस्थित मातृशक्ति। आज सबसे पहले इस अमृत काल का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आप सबों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, इस भारत को आजाद होने में लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जिनके त्याग बलिदान के कारण ये राष्ट्र आजाद हुआ और इस आजादी के 75 वर्ष में जो हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, हम सबों के लिए पूरे विश्व के लिए शांति की कल्पना करते हैं और भारत का हर नागरिक, विद्यार्थी विशेषकर बच्चे अपने मन में या इस प्रकार के सपने देखें कि वो सपने बहुत ऊंचे। भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, आज विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था हर मामले में, हम आयात पे विश्वास करते थे, विदेशों पे विश्वास करते थे, चाहे आर्म्स और एम्युनिशन का मामला हो, चाहे खाद्यान्न का मामला हो, चाहे साइंस में डेवलपमेंट का मामला हो, आज भारत की जनता और भारत के वो वैज्ञानिक चंद्रलोक में उन्होंने अपना यान भेजा है था। भारत का बाहर व्यक्ति जाता था तो एक आदर की दृष्टि से नहीं, एक सम्मान की दृष्टि से नहीं, आज जहां कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, हम इंडियन हैं, तो एक मान सम्मान कई भाव उस राष्ट्र के उस व्यक्ति में कि ये भारत का रहने वाला है। आज देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत, आज कृषि में, आज आर्म्स और एम्युनिशन के मामले में हम रसा की तरफ देखते थे, अन्य राष्ट्र की तरफ देखते थे, आज ये जितने भी शस्त्रार्थ है जो भारत और भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प, हम उसको यहाँ पर बनाने के लिए भारत की हिस्सेदारी दूसरे राष्ट्र के साथ एग्रीमेंट करके आज कर रहे हैं। आने वाला एक प्रकार के कोरोना का योग काल भी अपन ने देखा है, कोरोना में जिस प्रकार की क्षति, मानव क्षति भी हुई है, परंतु भारत मंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से करोड़ों वैक्सीन जो भारत के नागरिकों को और विदेश की जनता को बचाने के लिए जो काम किया है वो प्रशंसनीय है। इसलिए हर भारत का नागरिक, हर भारत का किसान, हर भारत का सैनिक, हर भारत के बच्चे, नौजवान, स्त्री, पुरुष अपने आप में गौरवान्वित होंगे, अपने आप में स्वाभिमान जगाने का। हमारी संस्कृति विश्व के शांति की संस्कृति है, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भवंतु निरामय, सर्वे संतु निरामय संपूर्ण हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा परोपकार करो और हरेक की सेवा करो, ये कि मैं आपकी तपस्या पूर्ण हो जाती है। आज यहाँ की प्रधानाचार्य जी और सुभाष जी, वो बहनी है संतोष जी, उन्होंने मुझे भी आज इस कार्यक्रम में 15 अगस्त स्तुतिकरण, जिन्होंने बच्चों ने अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना, और यहाँ के अध्यापक उन्होंने कई दिन तक यहाँ पे उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो परिश्रम किया है, आप धन्यवाद की पात्र है। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय भावना और आत्म स्वाभिमान की भावना जगाने का जो कार्य ये टैगोर स्कूल के प्रिंसिपल, यहाँ के अध्यापक और यहाँ के सुभाष जी बुल्ढानिया, जिनकी बात मैं कभी टाल नहीं सकता, पारिवारिक भी है, बड़ा आपको आना है। मैं भी आज आप लोगों ने जो स्वागत किया, जब कभी भी समय आएगा ब्याज बत्ती समेत
इस ऋण को चुकारा करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मैं सभी बच्चों के भविष्य के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए अभी आई है। अब मेवा कॉलेज में है तो बच्चों में खेल कूद के प्रति भी हमें रुचि रखनी चाहिए। या आज राष्ट्र किसी वक्त हमें एक गोल्ड मेडल मिल जाता तो हम इसको बड़ा खुशी से मानते थे। आज तो कतार लगी हुई है गोल्ड मेडल, क्योंकि यहाँ का हर बालक, हर गांव का बालक, ये सरकार भी है जिस तरह से प्रोत्साहित करती है, जिस तरह से बालकों पे खर्च करके इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये भारत की धरती है, भारत का लाल है, और निश्चित रूप में ये लाल अपने भविष्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ेगा, चाहे ट्रॉफी में हो, चाहे शिक्षा अध्ययन में हो। देखो आप वैज्ञानिक दृष्टि से APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति, और वो मिसाइल, और आज जब भारत कहाँ पहुंचा है, विश्व के अंदर भारत की धाक है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने मिसाइल को, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने वेपन्स को, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे उन हवाई जहाज उनको। तो आज राष्ट्र बहुत स्वाभिमान हमें पैदा हो रहा है, गर्व हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में, स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष में, सभी बहनों को, सभी बच्चों को, सभी उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी बंधुओं को, और एक निवेदन करता हूँ कि संस्कारवान बने, चरित्रवान बने, और इस चरित्रवान और संस्कारवान बनेंगे इन बच्चों में भी वो भाव आप पैदा करेंगे, राष्ट्र के भाव पैदा करेंगे, देश की सेवा के भाव करेंगे, दूसरे उपकार करने की भाव पैदा होगी, तो निश्चित रूप से आने वाला समय ये भारत का है और भारत विश्व शक्ति बनेगी, ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। चाहे टैगोर स्कूल के बच्चे कल भविष्य में क्या बनेंगे ये कोई कह नहीं सकता, परंतु भावना राष्ट्र प्रेम की होनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया, सम्मिलित किया, मैं समय दिया यहाँ पर, और इस विद्यालय में 10वीं के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका ज्योति यादव को विद्यालय की प्राचार्य की तरफ से साइकिल भेंट की गई, और मैं ज्योति यादव और उनकी माता से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर पधारे, और दवे साहब से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो अपने हाथों से उसे ये साइकिल देकर उसका हौसला बढ़ाए, उसका हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची ने जिस प्रकार से कड़ी मेहनत से 10वीं के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है विद्यालय के अंदर, ये बहुत ही सराहनीय बात है। बुलंदियां उसे मिलती है, बुलंदियां उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है, बुलंदियां उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है, छोड़ दिए उस बात को जिसको कोई और कर जाता है, जिसको कोई और कर जाता है। जोरदार तालियों के साथ इसका सम्मान करें और मान बढ़ाए। आर.एन. टैगोर के सितारे इस आसमान की बुलंदियों को छूते हुए, अपना नाम रोशन करते हुए इस पूरे मारवाड़ जंक्शन के अंतर्गत इस विद्यालय का नाम उन्होंने गौरव पथ पर पहुंचाया है और मान सम्मान बढ़ाया है। और मैं की ओर से पधारे हुए तमाम मेहमानों का और हमारे विशेष अतिथियों का, हमारे शिक्षक मारे इन तरी बारी के तरह को जाटा।
काले शेर की चाल टरे को दो चाटा को बाबा का लोग जोड़े हार को चाटा को बचपन के साथी कौन कहां जाएगा, संग बड़े बचपन के साथी कहां कौन जाएगा, स्कूल में वो संग बिताया, स्कूल में वो संग बिताया, वक्त बहुत याद आएगा, वक्त बहुत याद आएगा। जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि अगली ही कड़ी में सीमा देवासी कक्षा नौवीं की छात्रा बणठन छली मंच की तरफ प्रस्थान करें।
बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने बनठन चली और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मुड़ के ना देखो दिलबरो नसीम डॉली और प्रतिज्ञा और इसी बीच आपके सामने एक विशेष घोषणा अगले वर्ष 10वीं बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रेमलता वुमन ऑफ शिव प्रकाश जी तिवारी चेलावास वालों की तरफ से एक साइकिल भेंट की जाएगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत बहुमान बढ़ाए। रुक साथ म्यान बाय जानो बच से खान मच को यू में रुक साथ म्यान बाय जानो बच से खान मच को उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहली रो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मेरे दिल बरो मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे बहुत ही शानदार नृत्य आपके सामने उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज है ऊंची एक बार पार करा देना और पेमा राम जी की तरफ से केले की व्यवस्था स्थानीय विद्यालय के छात्रों के लिए बावर जी की तरफ से लड्डू की व्यवस्था अरविंद जी तिवारी चेलावास वालों की तरफ से लड्डू की व्यवस्था और धर्मेंद्र जी खारसी वाले जितने भी बच्चे ये जो डांस में हैं उनको गिफ्ट दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका बहुमान करें सम्मान करें और स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका आशा मैडम की तरफ से 5100 रुपए की राशि के लिए उन्होंने घोषणा की है। इनका भी तालियां बजाकर सम्मान करें आदर करें। अरे डुबी डुबी डब डब आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है दूर हटो ए दुनिया वालों दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है। जोरदार तालियों के साथ इन नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत करें अभिमान करें।
और ये आपके सामने शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने। छोटा बच्चा समझ के हमको ना आंख दिखाना रे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी भावनाएं लेकर इस मंच पर पधारे और अपनी भावनाएं आपके सामने प्रकट की। और इस गाने की प्रस्तुति से सुरेश जी पेंटर ने 100 रुपए की राशि, बहुत ही तालियां बजाकर उनका मान सम्मान करें, आदर करें। और स्थानीय विद्यालय के अध्यापक श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित की तरफ से 10वीं के होनार बालकों को, 10वीं 12वीं 8वीं के होनार बालकों को इनाम की राशि दी जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर शंकर सिंह जी राजपुरोहित का भी मान सम्मान बढ़ाए, आदर करें। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में कक्षा 9वीं की छात्रा वेदिका का मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारे और हिंदी भाषण। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम सोता है देखो आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस ओजस्वी भाषण। करते हुए विद्यालय में उपस्थित अतिथियों का सम्मान करती हूँ तथा विद्यालय प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण एवं गुरुजनों का सम्मान करती हूँ। गांव से पधारे हुए मेरे महंगे मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे इस विद्यालय की ओर से तथा इस मंच के माध्यम से जो बोलने का अवसर मिला है, तो मैं आप सभी के अंदर देशभक्ति की ज्वाला जला के जाऊंगी कि आज ना तो हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, कि आज ना तो हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए यह जीवन अर्पण है, सिर्फ इस हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए। मैं इसका हनुमान हूँ तो यह देश मेरा राम है,
मैं इसका हनुमान हूँ तो ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देख लो, इस दिल में बैठा हिंदुस्तान है, इस दिल में बैठा हिंदुस्तान है। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज हम यहाँ पर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित, देशभक्ति की ज्वाला धधक उठती है। उन आतंकवादियों को गलत फहमी है कि ये कश्मीर ले जाएंगे। ये देश हमें प्यारा था, प्यारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा था, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा ही रहेगा, आज भी हमारा ही रहेगा। ये देशभक्ति की पंक्तियां सुनकर भी कुछ अगली पंक्ति में बैठे मेरे मित्र जो हाथ पर हाथ धरकर बैठे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है, किसी से पूछ कर की नहीं जाती, किसी से पूछ कर की नहीं जाती। और जो खून अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, और जो खून अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है। और जो देश के काम ना आए वो तो बेकार जवानी है, वो तो बेकार जवानी है। और जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा पथभ्रष्ट होता जा रहा है। और आज हम इस स्वतंत्रता दिवस पर यदि युवाओं की बात ना करें तो यह स्वतंत्रता के प्रति गद्दारी होगी। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सना नहीं होता। नोटों से लिपट कर सा है, हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। तो ये धर्म का चश्मा उतार कर देख लो यारो, पता चलेगा मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। पूर्व से बहती अमन की गंगा बहने दो, पूर्व से बहती अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ साहब मेरे देश। आज मेरा जी कर रहा, थोड़ा हलवा बना के खा लू के। गणी चटोनी होती जा आज काले, तेरी जीभ पंगारे धर दूंगा। हैं? खवा दूं तना हलवा। हर प्रकार की समस्या का इलाज है बाबा के पास, कमजोर दिल वाले बाबा से दूर रहे।
क्यों बाबा म्यूजिक दिन किसका खराब रहा तेरा का मेरा रब अगत दिन तो मेरा है खराब लिकड़िया जब तो थारा फस गया थाली अंडो मलंगो कुछ काम कर लिया करो ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके सामने टूना बाबा और कार्यक्रम की अगली ही कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा दसवीं के छात्र हितेश फादर साहब जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें अभिवादन करें काका मन ने भी अपनी विषाद बग्गी में बैठा लो का बाप बैठा था कदा बग्गी में बैठा का तू राज 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 सुमेर लड़ाई तेरी मेरी से बड़का पर मरोड़ नहीं दिखाया करते मरोड़ का करोड़ लागे अगर कहने की मत ना होई बाबू के दे हरी टेम बदलांगे तेरी है माटी का मैं हूं देखता रहिए मजा आओगा लेट
बहुत ही शानदार नृत्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया और मैं धोरा रे धोरा रेलगाड़ी के लिए मैं ये कहूंगा कि वो तैयार रहे। और यहाँ पर एक विशेष घोषणा, मोहन प्रकाश जी जाट राजकीय आवास वालों की तरफ से बिस्कुट वितरित किए जाएंगे विद्यालय में। जोरदार तालियों के साथ इनका मान सम्मान बढ़ाए आदर और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मैं विद्यालय प्रांगण की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत के लिए मैं प्रेमलता जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे और माला के लिए लीला मैम से अनुरोध करूंगा और साफा के लिए संतोष मैम से मैं अनुरोध करूंगा और मोमेंटो के लिए कविता मैम मंच पर पधारे। मोमेंटो के लिए कविता मैम से मैं आग्रह करता हूं, कविता मैम जो म्यूजिक रूम में है डांस रूम में, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे और प्रेमलता जी का मान सम्मान करें, उनका बहुमान करें। मुस्कान हमारी आपके लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए ईश्वर हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका मान सम्मान बढ़ाए आदर करें प्रेमलता जी। और इसके पश्चात ही मैं पेमाराम जी माली से अनुरोध करूंगा अपना मंच पर पधारे पेमाराम जी माली और माला के लिए संदेश जी उनसे मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा मंच पर पधारे। साफा के लिए कैलाश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर पधारे और पेमाराम जी माली आपसे अनुरोध है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जोरदार तालियों के साथ प्रेमराम जी माली का मान सम्मान बढ़ाए स्वागत करें। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में धोरा रे धोरा मारी रेलगाड़ी लक्षिता और कोमल कवर तैयार रहे, उसके तुरंत पश्चात ही बाल विवाह नाटक रक्षिता वर्षा सोनू तनिषा तैयार रहे। अपनी आभा से जीवन संस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन संस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए, आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई, स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। और मैं धर्मेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारे और अपना मान सम्मान करवाए और माला के लिए ओम प्रकाश जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर पधारे और साफा के लिए शंकर सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। धर्मेंद्र जी मंच पर पधारे और इनका मान सम्मान करें। मैं साफा के लिए शंकर सिंह जी राजपुरोहित से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। शंकर सिंह जी राजपुरोहित जहां कहीं भी हैं मंच पर पधार कर और ओम प्रकाश जी माला पहनाकर आपका सहयोग इसी तरह विद्यालय को मिलता रहे और आप इसी तरह इस विद्यालय प्रांगण में पधारकर इसका मान सम्मान बढ़ाए। मैं विद्यालय प्रांगण की ओर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये विद्यालय का प्रेम है जो आपको यहां तक खींच ले आता है और आपका इनसे लगाव भी बहुत ही शानदार। अगले कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा लक्षिता
धोरा रे धोरा मारी धरती पण आज बिलख तो देखूं हूं पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कवर ने रोटी ने पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कवर ने रोटी ने हु शास्त्र धर्म न भूलूं हूं भूलूं हिंदवाणी चोटी ने मैं झुकूं किया है आन मने कुल राके सरियारी बाण मने मैं बुझू किया हूं शेष लपट आजादा रे परवानारी। लक्षिता का मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर वधारे अगले कार्यक्रम के लिए। धोरा रे धोरा मारी रेलगाड़ी, धोरा रे धरती मारी रेलगाड़ी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, सम्मान करें। शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने, धोरा रे धोरा मारी रेलगाड़ी। एक बार पुनः मैं यहाँ पर पधारे हुए भामाशाह का और पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब का हार्दिक स्वागत, हेलो, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर प्रमुख पधारे हुए भामाशाह का भी मैं इस विद्यालय महाप्रांगण की ओर से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बाल विवाह नाटक, बाल विवाह नाटक बेटिया
आज हैं कल हैं। बेटियों की आंखें कभी नम न होने देना, बेटियों की आंखें कभी नम न होने देना, जिंदगी में उनकी खुशियां कम न होने देना, बेटियों को हमेशा हौसला देना, उन्हें गम न होने देना, बेटी बेटी में फर्क होता है, खुद को ये कभी भ्रम ना होने देना, कभी ये भ्रम ना होना देना। जोरदार तालियों के साथ बाल विवाह के इस नाटक का आप हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये पता नहीं ये कृति दीदी अब तक क्यों नहीं आई, इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। गुड़िया ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, हर मिनट और सेकंड से बड़ी हो गई। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे। हाँ माँ वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। माँ बेटा और तो का वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या? के करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। बेटा पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ तो घर तजुर्बे से चलता है, औरतों के बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। माँ छोरी अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। कम्मा गणिसा, ये कम्मा गणिसा, कम्मा गणिसा, राम राम, आयो पधारो पधारो। राम सिंह सारी रस्में पूरी हो चुकी है, अब हम गुड़िया को लेने आए हैं, अपनी बेटी के विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। राम सिंह तारी बेटी क्या कह रही है? अब चिंता ना कीजिए, नादान बेटी है नादान, अभी आपके साथ विदा करें। नहीं जानो, रुको, दीदी तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। 16 सयानी तो हो चुकी है ना, वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर रहेगी। पर है नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। थारे हाथ जोड़ू भगवान के लिए, अपने ससुराल चली जा। पर इसकी बातों में ना कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो आप हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। छोरिया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हैं। ए छोरी
किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, हमरे माथे पर ना बे समझी। बुढ़िया सयानी हो चुकी है, बहुत है हमरे लिए। चल बीच में ना बार बच्चे तो अभी। वाह, ये जानते हुए भी कि गुड़िया भी बच्ची है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपने घर ले जाना चाहते हो, ऐसे काम तुम्हारे जैसे कामर्थ कर सकते हैं। तू जा लगाएगी इसको। मेरे होते गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाइए। बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा गांव है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी। चल बंद करो ये नाटक। डॉक्टर कृति, आप ठीक तो है? जी। तने पता है ना, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। चल चल चल। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत ही शानदार, आपके सामने बाल विवाह का संदेश देते हुए आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे अपवाद मौजूद हैं जिसके कारण हमारी बेटियों को दबाव में रहना पड़ता है, उन्हें हर दर्द सहना पड़ता है। मैं इस समाज से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में न पाले, जब तक आपकी बेटियां बालिक नहीं हो जाती, जब तक आपकी बेटियां काबिल नहीं हो जाती, तब तक उन्हें अच्छी शिक्षा दे, उनका सम्मान करे, उन्हें भी एक बेटी की तरह पाले। बहुत ही खूबसूरत संदेश आपके सामने दिया गया बाल विवाह के माध्यम से। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। कार्यक्रम की अगली ही कड़ी में मैं स्वागत के तौर पर बुलाना चाहूंगा जगदीश जी माली को, मालियों की ढाणी वालों की, और माला के लिए तरुण जी, साफा के लिए दीपकरण जी मंच पर पधारे। जगदीश जी माली एक बार मंच पर पधारे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और मोमेंटो के लिए धर्मेंद्र जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जगदीश जी माली जहाँ कहीं भी है मालियों की ढाणी वाले मंच पर पधारे। और और स्वागत के लिए मैं दूसरी ओर से केशवराम जी मालिक से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। केशवराम जी माली अगर यहाँ पर उपस्थित है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर पधारे। माला के लिए दीपकरण जी, साफा के लिए कैलाश जी, और मोमेंटो के लिए तरुण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। हाँ, केशवराम जी माली, दीपकरण जी, कैलाश जी, तरुण जी इनका मान सम्मान करेंगे मंच पर पधार कर। केड़ा जी साफा के लिए मंच पर पधारे।
इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर विद्यालय में पधारे, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा लहरा दो देशभक्ति गीत, सीमा लहरा दो। कुण भूलेला राणा ने चेतक ने हल्दी घाटी ने, कुण भूलेला राणा ने चेतक ने हल्दी घाटी ने, वीर सिवासो शूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने, दुनिया पूजे इन माटी ने। रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तौड़ की मौत भी हारती, जौहर री लपटाने रोज निहारती, भारत मारो देश फूट रो वेश के धन धन भारती उतारो आरती। जोरदार तालियों के साथ इस गाने के लिए सीमा आदिवासी का लहरा दो। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो लहरा दो गर्दिश में शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने लहरा दो। और मैं भैराराम जी जाट का स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर पधारे हुए, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर पधारे। उनकी तरफ से भैराराम जी जाट की तरफ से कक्षा 12वीं में फर्स्ट और सेकंड, कक्षा 10वीं में फर्स्ट और सेकंड, और कक्षा 8वीं में फर्स्ट और सेकंड आने वाले को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका बहुमान करें, सम्मान करें। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे और साफा पहनाकर उनका बहुमान करेंगे। सुभाष जी सर और माला पहनाकर संदेश जी, और मोमेंटो के लिए मैं मैम से अनुरोध करूंगा, प्राचार्य मैम से, कि वो उन्हें मंच पर पधार कर उनका बहुमान और सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सम्मान करें भैराराम जी जाट का राजकीय वास वालों।
साफा के लिए मैं उज्जवल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे और भैराराम जी जाट का बहुमान करे, सम्मान करे, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां जोर से बजती रहनी चाहिए। तालियों में मन की आवाज है। संदेश जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे संदेश जी से और मोमेंटो देखकर भैराराम जी का बहुमान करे, सम्मान करे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए फिर से। और मैं कक्षा 12वीं में फर्स्ट आने वाली अनुसुईया माली से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। जया मेवाड़ा से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे, अगर उपस्थित है। अनुसुईया माली का भी जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस बच्ची ने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया इस विद्यालय में और कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ज्योति यादव से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे। ज्योति यादव, ज्योति यादव से मैं, और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जितेंद्र, जितेंद्र का भी, जितेंद्र से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे। और कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली वेदिका चौधरी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे। बहुत ही शानदार इन बच्चों ने मेहनत करके जिस प्रकार अंकों को प्राप्त किया है। और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली हीना माली, उसका भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे। हीना माली जहां कहीं भी हो, हीना माली से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे। हीना माली और चांदी के सिक्के देखकर इन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। इसी प्रकार आप अपना प्रेम देते रहे विद्यालय में, जोरदार तालियों के साथ इनका बहुमान सम्मान करें। हीना माली, पंद्रह अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है। पंद्रह अगस्त का दिन कहता है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा ललिता माली से अनुरोध करूंगा, वो भी मंच पर पधारे। ललिता माली अगर उपस्थित हैं यहाँ पे तो मंच पर पधारे। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं भैरू जी, नाना बाजे घोगरा, देवेंद्र, गोविंद, नैतिक तैयार रहे कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से भैराराम जी जाट का स्वागत, आभार इस विद्यालय प्रांगण की ओर से आभार प्रकट करता हूं जिस प्रकार से इन्होंने इस विद्यालय के छात्रों का हौसला बढ़ाया है और उन्हें ये बहुमान दिया है चांदी के सिक्के देकर। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारे नाना बाजे घूंगरा, भैरू जी मंच पर पधारे, देवेंद्र, गोविंद, भटका करे और दिन में सो सो बार, बांकाने सीधा करे मारा भैरो राज कुआं। We'll be right back.
बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके सामने। भैरू जी नाना नाना बाजे तारे घूगरा। और इसी बीच एक घोषणा, 15 किलो लड्डू सरवण जी माली की तरफ से जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सम्मान करें। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी मैं प्राचार्य मैडम की, मम्मी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे। और माला के लिए मैं गुड्डी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। और मोमेंटो के लिए गीता मैम से मैं अनुरोध करूंगा, गुड्डी मैम शॉल के साथ मंच पर पधारे। डॉक्टर सुनीता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान। गुड्डी मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारे वो स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। दिन दूर नहीं खंडित भारत को, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, आजादी पर्व मनाएंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका बहुमान सम्मान प्राचार्य मैम की, मम्मी का बहुत जोरदार तालियां एक बार। कुछ नशा तिरंगे की आन में है, कुछ नशा तिरंगे की शान में है, कुछ नशा तिरंगे की आन में है, कुछ नशा तिरंगे की शान में है, तो कुछ नशा मातृभूमि की आन में है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान में है, नशा ये हिंदुस्तान की शान में है। एक बार जोरदार तालियां फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुमान करते हुए। और प्रोग्राम की अगली कड़ी में अदर अदर पग मेलू सा चेतना बना, अदर अदर पग मेलू सा भेजो। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे बना अदर अदर पग मेलू सा। बच्चे आपके सामने नृत्य प्रदर्शन करने जा रही है, छोटी सी बच्ची चेतना। जोरदार तालियां एक बार, तालियां हो जानी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। और इसके पिताजी धर्मेंद्र जी ने कक्षा के होनार बालकों को और डांस में पार्टिसिपेट करने वालों को टिफिन गिफ्ट के तौर पर दिए हैं, और उनका भी एक बार सम्मान होना चाहिए तालियों के साथ। बड़े वाले टिफिन, बहुत जोरदार तालियां एक बार हो जानी चाहिए। मेलो लो मारी बाड़ के बने
बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने, और पूजा वाइफ ऑफ अरविंद जी चेलावास वालों की तरफ से इस बच्ची को 500 रुपए पारितोषित रूप में दिए गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिवादन करेंगे उनका। और इससे पूर्व जो गाना था भैरू जी नाना नाना बाजे थारे घूगरा, स्थानीय विद्यालय के अध्यापक धर्मेंद्र जी द्वारा 500 रुपए पारितोषित रूप में दिए गए, उनका भी तालियां बजाकर सम्मान आदर करेंगे। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा 9वीं की छात्रा चंद्रिका को। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, चंद्रिका फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जोरदार तालियां बजाकर इस बालिका का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने कक्षा 9वीं की छात्रा रेणुका द्वारा। और गंगाराम जी सन ऑफ पिताराम जी प्रजापत, आने वाली 26 जनवरी को इनकी तरफ से लड्डू दिए जाएंगे राजगियावास खुर्दवालों को, इनका भी जोरदार तालियां बजाकर बहुमान करें, सम्मान करें। और जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे भामाशाह जिस प्रकार खींचे चले आते हैं इस विद्यालय प्रांगण की, और इससे पहले 26 जनवरी की जो घोषणा की थी 21 किलो लड्डू की, उकार राम जी देवासी की तरफ से, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर मान सम्मान होना चाहिए। और प्रेमलता वुमन ऑफ शिव प्रसाद जी तिवारी चेलावास की तरफ से 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो भी प्राप्त करेंगे उन्हें साइकिल भेंट की जाएगी, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर मान सम्मान आदर होना चाहिए। और कार्यक्रम की अगली ही कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा सेंट हरियाणवी सॉन्ग रेणुका तारा तने कुणसा सेंट लगाया, जोरदार तालियां बजाकर इन बच्चियों का स्वागत करें, अभिवादन करें। पड़ गया सारा, हाँ। रत्न कौन सा सेंट यू मारा,
बंगाल फॉर राइटिंग, सिक्किम फॉर ड्यूटी, पंजाब फॉर लाइटिंग, बंगाल फॉर राइटिंग, सिक्किम फॉर ड्यूटी, कश्मीर फॉर ब्यूटी, राजस्थान फॉर हिस्ट्री, महाराष्ट्र फॉर विक्ट्री, कर्नाटका फॉसिल, हरियाणा फॉर मिल, गुजरात फॉर पीस, आसम फॉर टी लीव, केरला फॉर ब्रांड, यूपी फॉर शुगर कैन, हिमालय फॉर एप्पल, उड़ीसा फॉर टेम्पल, एमपी फॉर रबल, बिहार फॉर मिनरल, सो इंडिया इज द बेस्ट। बहुत ही शानदार कविता अंग्रेजी में इस छोटी सी बालिका के द्वारा। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मारी नखराली भाभी। तैयार रहे आगे तारा जाट एंड चंदा, मारी नखराली भाभी। रह बरे रहा मोहब्बत, रह न जाना राह में, रह बरे रहा मोहब्बत, रह न जाना राह में, लज्जते सहरा न वर्दी, दूरी ए मंजिल में है, दूरी ये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर चंदा और ये तारा जाट का स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजगियावास खुर्द वालों की तरफ से मोमेंटो दी जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका मान सम्मान आदर करें। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कृष्णा गोविंद, किशन मारो दिल। तैयार रहे और आ जाए मंच पर। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत बहुमान करें, किशन मारो दिल।
मोहित। बहुत ही सुंदर नृत्य आपके सामने राजस्थानी गाने पर किशन मारो दिल। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हितेश संध्या, इट्स हैपन ओनली। It happens only in India. It happens only in India. Jahan paon mein payal, haath mein kangan, ho maathe pe bindiya. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। और अशकों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में राजस्थानी फोक सॉन्ग के लिए तैयार रहे, और मैं बहुमान के लिए सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर शंकर सिंह जी सिनला, जिनको साफा पहनाकर भावेश जी उनका बहुमान करेंगे और धर्मेंद्र जी मोमेंटो देकर उनका बहुमान करेंगे। जोरदार तालियों के उसवी में और बारहवीं में होनार बालकों को दसवीं बारहवीं में फर्स्ट सेकंड आने वालों को 500 रुपए और फर्स्ट वाले को 500 रुपए और बाकी को मोमेंटो देकर उनका बहुमान करने के लिए भावे जी उनका साफा पहना कर स्वागत करेंगे। अभिवादन, बहुत बहुत आभार इस विद्यालय के और बच्चे जो दसवीं में फर्स्ट आने वाले बच्चों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। बारहवीं में ज्योति यादव को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आकर। बारहवीं में अनुसुईया माली, उसको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। जितेंद्र, दसवीं से जितेंद्र को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए। और जो दसवीं में फर्स्ट आए उन बच्चों को 500 रुपए और मोमेंटो दे रहे हैं सर, और बाकी के बच्चों को मोमेंटो दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड वाले को। चलो अनुसुईया जो बारहवीं क्लास की जिसमें फैसला है इसकी बच्ची की।
ज्योति यादव, ज्योति यादव जो दसवीं क्लास में फर्स्ट है बच्ची। आगे आठवीं क्लास में जो बच्ची फर्स्ट है और सेकंड है वेदिका हिना, वेदिका चौधरी हिना माली स्टेज पे हैं। हिना थर्ड है, सेकंड कौन है? थर्ड का भी है। अच्छा अजय हिना रक्षिता सेकंड आठवीं क्लास में सेकंड रक्षिता। तालियां बजाने के पैसे नहीं लगते हैं। पांचवी क्लास में जो फर्स्ट और सेकंड है तरुण जी सर, पांचवी में फर्स्ट और सेकंड कौन है उसको भेजो। दिलकुश डाका, जय प्रकाश माली, सॉरी जय प्रकाश मीणा। छिपाई कहिया लागे तावड़ियो जंग
बहुत ही शानदार नृत्य आपके सामने राजस्थानी फोक एंथम पर। और मैं अनुरोध करूंगा उज्जवल जी से और तरुणा जी से मंच पर वधारे और उनका बहुमान करने के लिए उज्जवल जी ने 5100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट करके इस विद्यालय का बहुमान बढ़ाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। ये बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी, बस चरागों को जलाए रखना राहु फांद कर जिसकी हमने हिफाजत की है। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, ऐसे तिरंगे को सदा तुम दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को तुम सदा दिल में बसाए रखना। और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दीपकरण जी को माला पहनाने के लिए, और साफा के लिए तरुण जी को, और मोमेंटो के लिए कैलाश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे और उनका बहुमान करे, स्वागत करे। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। इसके बाद मैं आशा मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। उन्होंने नाश्ते की व्यवस्था और 5100 रुपए देने की घोषणा की है आशा मैडम ने, स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। और तैयार रहे सॉल के लिए रवीना मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। साफा सॉल के लिए संतोष मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे। रवीना मैम माला के लिए और परमिला मैम मोमेंटो के लिए मंच पर पधार कर आशा मैडम का बहुमान करें, सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आशा मैडम के लिए। 5100 रुपए की राशि देकर इन्होंने इस विद्यालय का बहुमान बढ़ाया है। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता है, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता है। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता है, सब गुड्डे गुड़िया खेलते उसको आजादी प्यारी थी, सब गुड्डे गुड़िया खेलते उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी, दबी हुई चिंगारी थी। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहिए बोर्डलो घूमर टू का ये सॉन्ग। एक बार जोरदार तालियां बजा कर इनका स्वागत अभिनंदन करें मंच की ओर से और इस विद्यालय प्रांगण की ओर से। यहां पर पधारे हुए तमाम मेहमानों का और अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माथे साजे बोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। माथे साजे बोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। ओढ़ के चूनर पचरंगी धज कर आई सा, मारा साहेबा जी में तो घूमर रमबा आई सा, मारा साहेबा जी में तो घूमर
साहिबा जी मैं तो घूमर रब बाई सा चुनरी मंगवाई भी पे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में पिव जी थारो नाम रचायो जी आईसा घूमर पूरे विश्व में विख्यात प्रख्यात एक नृत्य पूरे विश्व में इसे जाना जाता है राजस्थान की धरती से ये नृत्य। अगले कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा अंग्रेजी भाषण लेकर लक्षिता। अंग्रेजी भाषण लेकर मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आसाए मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आसाए दिल में है अर। Good morning everyone, my name is Lakshita, I read in class 8. Respected chief guest, principal, teachers, parents and all my brother and sisters, first of all I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. Today we all are here to celebrate our 77th Independence Day. This day is the most important day for all of us because on this day 1947 we got independence from the British rule. Friends, our great freedom fighter like Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, Rani Lakshmibai, Lokmanya Tilak, Subhash Chandra Bose and many other devoted their entire life in freedom, in independence of our country. Today, we all are fortunate that we have born in an independence country and we have our own fundamental rights. Our freedom is priceless and our soldiers fight continuously on borders to protect our country. We all know that no need to be made perfect, so it is our duty perform sincerely and progress together. Liberty is a legacy, let's pass it on with pride. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत ही सुंदर भाषण इसने अपने शब्दों के माध्यम से हमें ये संदेश देने की कोशिश की कि हमें ही इस देश को आगे बढ़ाना होगा। इट इज आर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है इस देश को आगे बढ़ाना। स्वागत करने के लिए दीपकरण जी, तरुण जी भी मंच पर पधारे, अशोक जी, मुंशी जी जहाँ कहीं भी हो मंच पर पधारे। मैं उनका उनसे आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर पधारे। अशोक जी स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से स्वागत होना चाहिए अशोक जी, मुंशी जी का। मैं
तो भूलो, मैं तो पीऊं हरी नार तंबाकूड़ी, मैं तो पीऊं लो, ओ मैं तो पीऊं लो। शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने थे, चिलम तंबाकूड़ी पियोला, मैं पीहरी ये चली जाऊली। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हिमता राम जी, सन ऑफ तेजा राम जी, राजग्यावास खुर्द की तरफ से स्टील की 50 गिलासे देने की घोषणा की गई। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका बहुमान सम्मान होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, हिमता राम जी, सन ऑफ तेजा राम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारे और उनके स्वागत के लिए। कैलाश जी, ओम प्रकाश जी और धर्मेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर हिमताराम जी का बहुमान करें, सम्मान करें। हिमताराम जी से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर पधारे और कार्यक्रम की अगली कड़ी में तैयार रहे। नैना के तीर, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए ईश्वर हम पर मेहरबान है, आप आए ईश्वर हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। एक बार जोरदार पुनः तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां बजाकर। और ये जो भी गेट पर खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अंदर पधारकर कार्यक्रम का बहुमान बढ़ाए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा नैना के तीर याशिका, नैना के तीर याशिका। राष्ट्र का गीत राष्ट्र गान बन जाऊं, वेद बनूं पुराण बनूं, गीता का ज्ञान बन जाऊं, देखती रह जाए दुनिया, मैं बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहिब की जबान बन जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब की जबान बन जाओ। एक बार जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें, बहुमान करें। लगाओ ना। मंगवाया था कि उर्ली आया। यार प्लीज मन। रानी हो तेरा ले आया मैं, ले आया मैं है लाल शरारा, नैना ते तन्ने मारया यो, मारया यो किसा।
रानी हो तेरा ले सरकार मेरी कदमा में चांद मैं धर दूंगा या जिंदगी तेरे नाम करी तेरी खातिर तो मैं मर जूंगा ना दिल का ओपन गेट करूं छोरे मैं तन्ने हिट करूं ना चाहिए कोई चांद मने और ना चाहिए कोई मने सितारा रानी हो तेरा ले राधा मेरी मैं शाम तेरा या जोड़ी न पावे जमाने मैं सरनेम मेरा ही बवेट करे तेरे नाम के पाछे आने मैं तेरी बातों पे जो हसगी मैं है इब तो पक्का फसगी मैं ले हाथ दिया तेरे हाथों में इब कदे न जाऊं दूर ओ यारा रानी हो तेरा बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन नैना के तीर कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मित्तल वर्षा हेतल जयंती हेमा छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी घर की जान होती हैं बेटियां पिता का गुमान होती हैं बेटियां घर की जान होती हैं बेटियां पिता का गुमान होती हैं बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद होती है बेटिया यू समझ लो कि बेमिसाल होती है बेटिया बेमिसाल होती है बेटिया जोरदार तालियों के साथ छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी पालने में ऐसे ही झूलती रहे खुशियों की बहारों में झूमती रहे गाते मुस्कुराते संगीत की तरह ये तो लगे रामा के गीत की तरह रारारू 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 खुशियाँ देती है दुख ले लेती है माँ की ममता का मोल ना कोई नगमे गाती है सुख बरसाती है माँ के जैसा तो बोल ना कोई उम्र भर मैं करूँ माँ की बंद शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने उम्र भर मैं तो करूं माँ की बंदगी माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी कार्यक्रम की अगली ही कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा सोनू डिंपल वर्षा दुर्गा रेणुका तारा मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग
जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू कि वो गोली भी, मैं तो बस इतना जानू कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान बहुमान करें। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ये भगवा 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 रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। के वीर लालों ने ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, नहीं घुल सकता है ता जिंदगी नदियां ना तालों में, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, जिसे अंजना के लल्ला ने चोले में रंगाया है, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। श्री राम जी के मन को भाया है, ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है, अवध को छोड़ते समय प्रभु ने तन रंगाया है, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया, न्याय और नित के पीछे वो अपनों से लड़ गया, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे
भगवा रंग रंग तो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला है प्रतिमा देवी की, और बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और राजेश यादव की तरफ से 1100 रुपए की सप्रेम राठी विद्यालय प्रांगण को दी गई। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका बहुमान सम्मान होना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा नाटक अनपढ़ नेताजी हितेश एन पार्टी, हितेश सूरज किशोर जगदीश, अनपढ़ नेताजी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारा देश काफी अनपढ़ नेताओं से भरा हुआ है, उसको आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं ये 5 होनार बालक एक नाटक के रूप में। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। जो पैदल आए उनको भी नमस्कार, जो गाड़ियों में आए उनको भी नमस्कार, जो दूसरों के साथ ठुस ठुस कराए उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार और उनकी बहनों को भी नमस्कार। हाँ तो भाई, ये मेरा इंडिकेटर है। इंडिकेटर नहीं नेताजी, असिस्टेंट। और ये दोनों मेरे बॉडीकेटर है। बॉडीगार्डर नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड। अबे साला नेता तू या मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। नहीं नहीं, आप यो गिरोल। चलो नेताजी, स्थान ग्रहण कीजिए। अनपढ़ राजनेता चक्कर में पड़ा, स्थान किधर से ग्रहण करूं? उसी का मुंह इधर या उधर? अरे भाई, मेरे लिए चार भाई कहाँ है? नेताजी स्टूडियो में चार भाई नहीं, चेयर होती है। ये चेयर का हुआ है? छोटी सी चार भाई नेताजी। अच्छा, छोटी चार भाई। अरे भाई, इसमें तो मेरी मम्मी नहीं आवे। तो चलिए नेताजी, हमारे स्टूडियो वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप तैयार है? हाँ। तो सर आइए और इनका इंटरव्यू लीजिए। अच्छा, तो नेताजी आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। भाई ये इंटरव्यू कहाँ हुआ है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा साक्षात्कार। अच्छा तो नेताजी ये बताइए, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? भाई हमारा जन्म तो इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब, इंडिया के कौन से इलाका? तो कुत्तों का हुआ है। सर मेरे कहने का मतलब, इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? अरे भाई अब 4 दिन के बच्चे हो, क्या मालूम कि वो कहाँ पैदा हुआ। अच्छा तो नेताजी जनरल नॉलेज की बात हो जाए। भाई ये जनरल नॉलेज का हुआ है? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान्य ज्ञान। अच्छा तो नेताजी यह बताइए, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? भाई चांद पर पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा सवाल, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? अरे बेवकूफ है क्या, वो क्या एक टांग से वहाँ पर लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था, दूसरा कदम भी तो उसी ने रखा होगा। अच्छा नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? भाई गवर्नमेंट का हुआ है? सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा सरकार, हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे नहीं नहीं, जय जय राम भरोसे। वो कैसे? क्योंकि सारा काम तो यह कर रहा है और अंगोटा मैं लगाऊं, बाकी आप सब जानो हो। आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? भाई डेमोक्रेसी का हुआ? प्रजातंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। ओ प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी। नेताजी यह बताइए, आपने जनता के लिए क्या किया?
भाई हमने जनता के लिए पिछले साल 4 कंबल बंटवाए थे। जनता को? नहीं नहीं, जानवरों को और उनकी गाय और भैंसों को। अच्छा, आपने मतदान जनता से लिए और कंबल जानवरों को क्यों बंटवाए? अगर हम जानवरों को कंबल नहीं बंटवाते सर्दी में वो मर जाते, फिर हम दूध किनका पीते? दूध तो उन्हीं का ही पीते है ना। अच्छा नेताजी, पिछले महीने गाँव में आग लगी, उसमें आपने क्या किया? भाई पिछले महीने गाँव में आग लगी थी जब हमने जो गाय लिए थे उनको तो शमशान घाट पहुँचा दिया, और जो मरे थे उनको अस्पताल में। और मुआवजा क्या दिया? भाई जो गाय लिए थे उनको तो 50 रुपए का मुआवजा, और जो मरे थे उनको 10 रुपए का। नेताजी यह बताइए, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो यह जूता है। नेताजी आपकी पार्टी का जनता के लिए क्या संदेश है? भाई हमारी पार्टी का जनता के लिए ये संदेश है कि भारी भारी बहुमतों से हमें विजय बनाओ, जो दारू से न माने उसे कॉफी पिलाओ। नेताजी पिछले महीने गांव में आग लगी तो उसमें आपने क्या किया? भाई हमने, अरे इतनी देर से क्यों पुकारा, कोई डीजे वीजे मंगवा लेता। नेताजी यह कोई डांस बार या क्लब नहीं है, यह स्टूडियो है। चल अपना फोन दे। क्यों? अपनी राम पत्नी को फोन कर। अच्छा लो। अरे क्या लही आ रहा है, अरे देख 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 क्या लही आ रहा है, क्या फोटो दिख रही है। हेलो हेलो राम पत्नी, कौन सी टीवी, कौन सी बी टीवी, कौन से चैनल पर हमारा फोटो लही आ रहा है? अरे कौन सी टीवी? अबे बेवकूफ है क्या? अबे गधे नंबर दे के डायल कर साली, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। ले पकड़। ओ मेरी वाइफ का नंबर। अरे छोड़ छोड़ छोड़, ये मजदूर कहाँ था, कहाँ था? इस नाटक का मतलब आपको मनोरंजन करवाना नहीं था, इस नाटक का उद्देश्य यह है कि हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट दे, ऐसे अन्य व्यक्ति को वोट ना दे। धन्यवाद। बहुत ही शानदार नाटक का प्रदर्शन एक अनपढ़ नेता के रूप में आपके सामने किया गया, और रमेश जी माली सूर्यनगर की तरफ से विद्यालय प्रांगण को 500 रुपए की सहप्रेम राठी भेंट की गई। जोरदार तालियों के साथ उनका बहुमान करें, सम्मान करें। और गोर्धन जी माली की तरफ से भी 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट की गई विद्यालय को, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत सम्मान करें। आपका प्रेम सदैव यूं ही बना रहे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा दिव्या संध्या लाल लहरियो, मंच पर पधारे। बुलंदियां उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है, बुलंदियां उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है, छोड़ दिए उस बात को जिसे कोई और कर जाता है, कोई और कर जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चंदा जेड़ो मुखड़ू दिखावो,
बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जोरदार तालियों के साथ इस नृत्य प्रदर्शन का कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कोमल कवर घूमर पद्मावती। जोरदार तालियों के साथ कोमल कवर का स्वागत करें और कार्यक्रम की अगली कड़ी में तैयार है डिंपल दुर्गा चौधरी। बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डिंपल दुर्गा चौधरी मंच पर आए और इसके पश्चात ही पानीडो बरसा दे महारा राम रे तैयार रहे। सोनू कुसुम डिंपल याशिका तैयार रहे। धूप को देखते हुए प्रोग्राम काटे जा रहे हैं, धूप ज्यादा हुए, कल ऐसा नहीं था, इसके लिए हमें भी दुख है, बच्चे भी धूप में बैठे हैं, तो इसके बाद एक ही प्रोग्राम लास्ट में और करवाएंगे। सुनो चौधरिया, आज तो धोली धोती और अंगर की मैं गणा ही फूट रहा लाग रिया हो, लाग रिया हो, लाग रिया हो। रंग राजस्थान पड़ोसन ले गई रे तैयार रहे और
मंच पर पधारे, रंग राजस्थान पड़ोसन ले गई रे मंच पर पधारे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हेमलता, याशिका, मानसी और कोमल कवर पड़ोसन ले गई रे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। पड़ोसन ले गई रे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में तैयार रहे बनी मिश्री सु मीठी बाताधारी, तैयार रहे। शानदार नृत्य प्रदर्शन आपके सामने कांटोली में, पालो कहिया कांटोली। कार्य की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मिश्री सु मीठी बाता थारी किरण, एक जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें, अभिवादन करें। अगले कार्यक्रम के लिए तैयार रहे झांझर, राजस्थानी सॉन्ग कुसुम, झांझर अगले कार्यक्रम के लिए तैयार रहे। चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। सर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा, खूब जाव सो निरखा था ने चाल थारी मतवाली। बन थारा केस है कामण गारा, बन थारा केस है कामण गारा, मारो तो मन उड़ जाए। बन थारी आख्या है मतवाली, बन थारी आख्या है मतवाली, मारो तो मन बहकाए। थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़े। जोरदार तालियां मिश्री सुमीठी बाता थारी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा कक्षा 12वीं की छात्रा कुसुम को, राजस्थानी सॉन्ग झांझर। जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें, अभिवादन करें।
और कार्यक्रम की अगली कड़ी में तैयार रहे फैंसी ड्रेस हम बच्चे हैं हिंदुस्तान के देशभक्ति एलकेजी यूकेजी। लुक छुप शीशो छेड़े माने कंगना बोले छाने छाने शीशो छेड़े माने कंगना बोले छाने छाने ही बताओ काई करूं अब कैया में समझाओ थाने ही बताओ काई करूं अब कैया में समझाओ थाने समझाओ थाने हे झूठी सच्ची बाता में बहलाओ तुम सही झांझर भी शोर मचारी पिया जी आओ तुम सही हे झूठी सच्ची बाता में पायल पूछे साहेब कदया वेला खारा कदे मखोला करे घड़ी मसु कान का झुमका मारा कान का झुमका मारा कान का झुमका मारा मैं अब नथली बिंदिया कंगना के जोरदार तालियों के साथ स्वागत इस झांझर सॉन्ग का। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा फैंसी ड्रेस छोटे बच्चे और कार्यक्रम की अगली कड़ी में तैयार रहे हर्षिता नैन कटारी रे तैयार रहे नैन कटारी रे हर्षिता। नन्हे बच्चों की प्रस्तुति आजादी वो है जब ना सपनों का दरखत फलने से डरे आजादी वो है जब ना सपनों का दरखत फलने से डरे और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से आजादी वो है जब सूखे हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और गोलियों के दिलों से हवेलियों का डर निकल जाए आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ए बी सी से डरना छोड़ दे। जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हर्षिता नैन कटारी रे जोरदार तालियों के साथ हर्षिता का स्वागत करे नैन कटारी रे।
बहुत ही शानदार दसवीं की छात्रा हर्षिता द्वारा आपके सामने नृत्य प्रदर्शन किया गया नैन कटारी रे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा प्रियंका गल करके। प्रियंका गल करके और 500 रुपए मांगीलाल जी जाट जैतान वालों की तरफ से जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। इन्होंने विद्यालय में सप्रेम भेंट करके विद्यालय का बहुमान बढ़ाया है। धन्यवाद। मर गया ओ कुड़ी तेरी लुकते सड़क ते फिर तेरी कार लभदी नी कुड़ी जेड़ी फेसबुक ते नंबर नु छड़ जट्टा दिल मेरा ले जा लंघ जाना हक मेरे वल करके गल ता जटी ना तेरी बड़ी पे देख ता सही तू जट्टा गल करके गल ता जटी ना तेरी बड़ी पे देख ता सही तू जट्टा गल करके मैं रेट तेरे हाई करते एक बारी वेख के ता हस दिया कर तेनू वेख बिना दिन लंघदा नहीं कित्थे आ लोकेशन ता दस दिया कर मुंडे मेरे पिछे तेरे पिछे आना मैं काले जोर तेनू अपना बनाना मैं कार च बिठा के तेनू गेड़ा लाना मैं कुड़िया ना बैठ आई गल करके गल ता जटी ना तेरी बनी पई है सही तू जट्टा गल करके गल ता जटी ना तेरी बनी पई है एक ता सही तू जट्टा गल करके। बहुत ही शानदार आपके सामने गल करके। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा पानी डो बरसा दे मारा राम रे। अगली 15 अगस्त को एक घोषणा हुई है मुकेश जाट सन ऑफ मानाराम जी जाट राजकीयवास वालों की तरफ से यहां पर टेंट की व्यवस्था की जाएगी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिवादन करें ऐसे दानदाता।
हेलो हेलो हेलो, अगला प्रोग्राम लास्ट एंड फाइनल सपना गुजर, जो अपने पिछले साल 12वीं की स्टूडेंट थी, फिर इसकी इच्छा हुई कि एक बार मैडम और मौका मिले मेरे, जोरदार तालियों के साथ सपना गुजर। बेटा मासी नहीं चाची, रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटा सा अपना एक सुंदर सा गीत सुनाएं। हेलो हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए हो दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां। तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां। लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की टोलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद जय भारत। ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो बिना नाश्ते के ना जाए, ऐसे ही ना जाए। आज सभी को अभी नाश्ता वितरित किया जाएगा, तो यहाँ पर उपस्थित रहे। खली आँखों में शाही रविंदी मथे फैलाई बहु सब कर दी काम की फैल में बन। मैं प्राचार्य मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विद्यालय के संबंध में दो शब्द कहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत बहुमान करें। सम्मान्य डायरेक्टर सर और मेरे शिक्षकगण और प्यारे मेरे साथियों जिसने मेरे को टीम के रूप में इतना सहयोग किया है, उनका मैं और बाहर से आए हुए थी और प्यारे बच्चों, मैं आपसे तय दिल से ये अभिवादन करती हूँ कि आपने जैसे शांति बनाए रखी और जैसा ही शांति विधि आपने प्रयोग में सहयोग की उसमें अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अब आपको बता देती हूँ कि अगले साल 15 अगस्त 2024 आ जाएगी, उसमें जो बच्चा 12वीं क्लास या 10वीं क्लास में जो 90% लेके आता है वो टैगोर परिवार की तरफ से या टैगोर विद्यालय की तरफ से एक्टिवा स्कूटी मिलेगी उस बच्चे को। लेकिन कम से कम 90% होने चाहिए उस बच्चे के। और मैं पेरेंट्स से भी बोलूं कि वो थोड़ा सा बच्चों पे घर पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चे गाँव से हैं, गाँव से बच्चे आते हैं तो ज्यादा घर पे काम करते हैं और पढ़ाई कम करते हैं। तो थोड़ा सा पेरेंट्स का भी सपोर्ट होगा तो बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगले साल के लिए टैगोर विद्यालय को ऊपर तक ले जाने के लिए आप सबका मैं विनम्र भाव से आपको बोल रही हूँ
कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे, जिससे बच्चे एक या दो बच्चे भी 90 लाएंगे तो भले दो लाए या तीन लाए सबको स्कूटी मिलेगी। जैसे मैंने साइकिल की कोई घोषणा नहीं की थी, उसके बावजूद भी बच्ची के 78 पॉइंट कुछ ही है, उसके बाद भी मैंने उसको साइकिल दी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार 12th में अच्छे बच्चे हैं तो वो मेहनत करें, उसके पेरेंट्स भी सहयोग करें, बाकी विद्यालय में कोई कमी नहीं रहेगी, टीचर सब साइंस के अच्छे हैं, सब सहयोग करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अब नगर पालिका भी बन चुकी है मारवाड़ जंक्शन, तो नगर पालिका मतलब अपने मारवाड़ क्षेत्र में स्कूटी लेके जाएं बच्चे अगले 15 अगस्त 2023 को। सर ने तो नहीं बोला है लेकिन मैं आपसे इसी मंच के द्वारा घोषणा कर रही हूँ कि मेरे हाथों से अगले साल कोई बच्चा लेके जाए, एक लेके जाए, दो लेके जाए, भामाशाह की तादाद लगी हुई है, जैसे बहरा राम जी जाट की तरह खूब भामाशाह हैं, सहयोग करने के लिए कोई कमी नहीं है। थैंक यू। प्राचार्य मैम का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने आपको संबोधित किया और आपका हौसला अफजाई किया और इस संस्था के संचालन व्यवस्था संभालकर जिस प्रकार से प्राचार्य मैम ने आपका हौसला, जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः उनका स्वागत होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। ये छोरे कर लिए गए। सभी स्टाफगण से अनुरोध है कि वो मंच पर पधारे, सभी स्टाफगण मंच पर पधारे, सभी स्टाफगण से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे। ये जितने भी बाहर से पधारे हुए हैं वे नाश्ता लेके जाए, ऐसे ही ना जाए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। ये जितने भी जा रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि नावे महंगा सेंट लगावे, फैशन कर के इन छोरा की क्यों तू नीड डिगावे, महंगे शैंपू ते तू नावे महंगा सेंट लगावे, फैशन कर के इन छोरा की क्यों तू नीड डिगावे, महंगे कर दिए तेल, महंगे कर दिए तेल, रथोरी तू मरवावेगी, जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी, जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी, जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी। 26 की पैमाइश ले री, 5'6" की हाइट, चढ़ती जबर जवानी तेरी मौसम है गरमाइश, 26 की पैमाइश ले री, 5'6" की हाइट, चढ़ती जबर जवानी तेरी मौसम है गरमाइश, तने एसी कर दिए फैल, एसी कर दिए फैल, रथोरी तू मरवावेगी, जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी, जेल करावे।
जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे जिस्मों से निकल के खून कहे भरे खलियान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे